राधे राधे। आज मैं ये मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ, और जो मैंने पुरानी साड़ी को कैसे यूज़ किया है वो सब दिखाऊंगी। उसने बोला था कि जो आप पुरानी साड़ी या अपने न्यू लुक के सूट बनाते हैं उसकी वीडियो बना के डालो, तो मैं दिखाती हूँ मैंने अपनी पुरानी साड़ी को कैसे यूज़ किया है, और जो सूट में से छोटे छोटे पीस बचते हैं उसको मैं कैसे यूज करती हूँ वो सब दिखाती हूँ। ये मेरी पुरानी साड़ी थी, इसका मैंने शरारा सूट बनाया। ये बैक है और ये फ्रंट, और ये बाजू है। इस सूट पे मैंने लाइनिंग के अलावा ₹1 भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, सिर्फ लाइनिंग के ऊपर ही मैंने खर्चा किया है जितना भी लगा है। और ये जो लेस लगी है ये भी सारी साड़ी की थी, और ये गले पे लेस लगी ये भी साड़ी की है, और ये बाजू पे लगी है ये भी साड़ी की है, और एकदम न्यू लुक आई है सूट की, और साड़ी भी मेरी यूज हो गई, और एक नई ड्रेस मेरे पास होगी पहनने के लिए। और ये मैंने शरारा बनाया है, बहुत ही सुंदर शरारा बना है, और इस पे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा रुपए खर्चा नहीं किए हैं। मैंने इस पे सिर्फ ये कॉटन की इतनी सी लाइनिंग पे खर्चा किया है इस पे, और जो ये लाइनिंग है ये भी साड़ी की थी, और ये लेस है ये भी पूरी साड़ी की थी, और पहना हुआ शरारा सूट बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी अपनी पुरानी साड़ी को ऐसे न्यू लुक दे सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, और कोई भी सेफ में आप सूट सी सकते हैं। अम्ब्रेला कट, ए सेफ की कुर्ती, प्लाजो, शरारा जो भी, और बिल्कुल न्यू लुक लग रही है सूट की, और पहना हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। और अब मैं दिखाती हूँ ये मेरे पास प्लेन 4 मीटर कपड़ा था, इसको मैंने इस स्टाइल से सिला, और बिल्कुल इतनी सुंदर लुकती है सूट की, ये गला और ये बाजू, बाजू में मजेंटा कलर की पाइपिंग, और ये साइड में लेस, और लॉन्ग में कुर्ती बनाई है, बिल्कुल फुल लॉन्ग है, और इसके साथ ये पैंट बनाई, बहुत ही सुंदर सूट लगता है पहना हुआ, एकदम लगती है, और इसके साथ ये वाली चुन्नी पहन करती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। बहुत ही सुंदर लुक आती है सूट की, और पहना हुआ भी अच्छा लगता है। और ये मेरे पास एक 2.5 मीटर पीस था, गाजरी कलर है, ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता बनाया मैंने, और इसके कॉम्बिनेशन में ये पैंट, और ये तो सिंपल ही पैंट है, इसमें भी कुछ अच्छा नहीं किया हमने, डिजाइन वगैरह कुछ नहीं किया, सिंपल पैंट। और जो ये कुर्ता बनाया है, जो मैंने ये प्लेन लुक दी है कुर्ते की, इस पर जो ये गोल्डन बिंदी लगाई है ना, ये नोट्स, ये मैंने खुद लगाई है अपने आप, वो फुल लेंथ है कुर्ते की, जैसे आम बाजू पे लगा दी इतनी बाजू पे, ऊपर प्लेन है, ये इतनी बाजू पे बिंदी लगी हुई है, ऊपर प्लेन है बाजू, वो पूरे कुर्ते में
कहीं कहीं पे आगे आगे पूरे कुर्ते में ये बिंदी बिंदी लगा दी हमने, और सिलो की 10 रुपये का पैकेट बिंदी का आया, और 20 या 25 रुपये का वो गोंद आता है चिपकाने वाला, ये मैं बता दूंगी वीडियो में। फैब्रिक गम आता है शायद, पूरे में शाइनिंग आती है, पहनों की तो अलग से रूप आएगी, और पूरी लेंथ है मैंने अपने कुर्ते की लेंथ फुल रखी हुई है, आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं, और गोल गला है बैक में आगे भी। अब मैं दिखाती हूँ आगे एक सूट और बना है, ये मेरे पास डाइमेटेरियन का कपड़ा था, और इसको मैंने फिर बिल्कुल ये न्यू लुक दी है इसको, ये फ्रिल वाली बाजू तो सभी बनाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी लुक आई है इसके साथ। इसको मैंने इतना ही बंद किया हुआ सूट को यहाँ से लेके, और पूरी लेंथ रखी है मैंने जितना था कपड़ा, और यहाँ से लेके पूरा ओपन है, और इसका गेयर भी बहुत ज़्यादा है दोनों पल्लों का, तो बिल्कुल फ्रॉक की लुक आती है सूट में। हाँ, एक दिन मैं सारे सूट पहन के आपको फोटो खींच के जरूर दिखा दूंगी, बहुत ही सुंदर लगते हैं सारे सूट। और इसमें मैंने ये आगे की साइड यहाँ पे ज्वाइंट दिया है, ऐसे करके इतना इतना ज्वाइंट दिया है, और यहाँ पे प्लेट डाली है छोटी छोटी जो बच्चों की फ्रॉक में डालते थे हम, और इतना यहाँ से दोनों साइड से खुला है इस स्टाइल से, और दोनों साइड प्लेट डाली है आगे और पीछे, और इसकी लुक इतनी सुंदर फ्रॉक स्टाइल में आती है, पहना हुआ भी बहुत बेस्ट लगता है। इसके साथ मैं ब्लू पैंट डालती हूँ, अभी और दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास सूट का छोटा सा पीस बचा था, तो मैंने इसका इस स्टाइल से पोंचो बना दिया है। ये सूट या साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं, सूट के साथ जैसे आजकल हम चुनिया ओढ़ना पसंद नहीं करते, तो ये डाल सकते हैं ऐसे, बहुत ही सुंदर लुक आती है। और यहाँ पे ये गला है, सीधा ऐसे डालो और छुट्टी, और साड़ी पे भी न्यू लुक आती है ये डालने से। और एक मैंने ये बनाया है, ये मेरी चुन्नी थी, कई बार होता है कोई चुन्नी ओढ़ने का मन नहीं करता, तो चल कुछ यूज कर लें इसका, ये मैंने पोंचो बनाया है, ये किसी भी कलर के साथ मैचिंग हो सकता है, ये काफ़ी घेर वाला पोंचो है, और इसको मैं इसके चारों तरफ मैंने ये लेस लगा दी है, ऊपर लेस है, ये 10 या 15 रुपये मीटर होगी मार्केट में ये पूरी, और ये गले पे बहुत ही सुंदर लगता है ये पोंचो पहना हुआ। मैं पिक डाल दूंगी सबकी, अगर आप बोलोगे तो पहन के दिखाऊँ, तो मैं इन सबकी पिक डाल दूंगी। और एक मैंने ये बनाया है, ये सिर्फ सिंपली कुर्ता बनाया है, इसका पीस मेरे पास बचा हुआ है, देखती हूँ उसका मैं क्या बनाऊंगी, ये बहुत सुंदर लगता है। इसके नीचे मैंने रेड स्कर्ट बनाई है, लॉन्ग स्कर्ट रेड वाली, वो भी दिखा दूंगी मैं आपको, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसका कोट वाला बनाया मैंने,
ये प्योर बनारसी का सूट है, इसमें सारा बनारसी धागा लगा हुआ है, ये ब्लैक नहीं होगा, ऐसा ही होगा। और एक ये मेरे पास पीस बचा था मेरे सूट का, ये आपने देखा होगा मैंने गजर लगाते हुए ये सूट पहना हुआ है, तो ये पीस बचा था तो इसका मैंने ये पाउच बना दिया। इसके अंदर आप कुछ भी कैरी कर सकते हो, लिपस्टिक बिंदी वगैरह नेल पेंट वगैरह कुछ भी डाल के, एक्स्ट्रा कुछ भी रखा हो डाल के इसको अलमारी में से रखा दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप अपनी सिलाई खुद करती हैं तो छोटे से छोटे पीस को आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे मैं करती हूँ, मैं तो अपने छोटे से छोटे पीस को यूज कर लेती हूँ, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं फेंकती हूँ। और पुरानी साड़ी है तो आप न्यू लुक दे सकती हैं, बहुत सुंदर सुंदर सूट बनते हैं, अम्ब्रेला कट, ए शेप में शरारा सूट या लॉन्ग स्कर्ट भी बना सकते हैं आप, बहुत सुंदर लगती है। अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो लॉन्ग स्कर्ट बना लीजिए, ऊपर क्रॉप टॉप बना लीजिए या रेडीमेड ले लीजिए, और चुन्नी बना लीजिए उसकी, तो कुछ भी बना सकते हैं मतलब अपने आइडिया के हिसाब से। तो वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, मिलते हैं नई रेसिपी या नए आइडिया के साथ। राधे राधे।